जी हाँ माँ जी, प्लीज कंटिन्यू। जी साहिल, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया है। इसका अमली नमूना मैं सामने हूँ इनके। मैं अपनी स्टोरी आपको इसीलिए सुना रही हूँ ताकि जो मैंने तकालीफ फेस की है ना, वो कोई और फेस ना करे। तो मेरी शादी हो जी गई, मैं बिल्कुल मजबी थी, शादी हो गई और कुछ उम्र भी कम थी, बड़ी उम्र के शौहर थे, 15 साल बड़े थे। तो एक तो बंदा एक मेंटली मेच्योर नहीं होता, ठीक है। एक जिस किस्म के मजहबी घराने से मैं गई थी, मेरा सोशल एक्सपोजर सिफर था, मुझे लोगों को परखने का, लोगों को जांचने का बिल्कुल नहीं पता था। स्कूल कॉलेज में भी नहीं गई, हायर सेकेंडरी स्कूल तक मैंने पढ़ा है 12वीं। मुझे फिजिक्स में बड़ा ही इंटरेस्ट था, मैंने 9th-10th में फिजिक्स पढ़ी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी फिजिक्स पढ़ी। फिजिक्स मुझे बहुत पसंद थी, तो सिलसिला मेरा वहीं पर खत्म हो गया एजुकेशन का। शादी हो गई तो कोई सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं था कि मुझे पता चले कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो मैं तो उनको मजाज़ी खुदा समझ के पूछना शुरू हो गई। तो तकरीबन मेरे 2 साल बाद, शादी के 2 साल बाद, मुझ पे आहिस्ता आहिस्ता ये आश्कार हुआ कि वो ना एडिक्टेड हैं, वो नशा करते हैं। तो ये बड़ी शॉकिंग चीज थी मेरे लिए। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको तब पता नहीं चला, तो वाकई मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मैं इतनी अकीदत की मारी हुई थी, इतनी मोहब्बत में थी कि मैं, ये मेरा मजाजी खुदा है। अगर कुछ नशा करके वो आते हैं तो उनके लहजा अगर लड़खड़ा रहा है तो नहीं, मैंने कहा ठीक है कुछ नहीं होता, ये थके हुए होंगे या व्हाटएवर। मतलब वो घर में बंद रहने की कीमत ये थी कि 2 साल तक जिस बंदे के साथ मैं रह रही थी, मुझे ये ही नहीं पता चला कि वो बंदा एडिक्टेड है, वो नशा करता है। जब 2 साल हुए ना, जब तब मुझे पता चला, वो भी घर में पंचायतें बैठना शुरू हो गई। ज्वाइंट फैमिली थी, जहाँ पे मैं शादी करके गई वो भी ज्वाइंट फैमिली थी, मैं जो थी वो सबसे छोटी थी। तो जब आए रोज ना मुझसे छुप छुप के कहीं ड्राइंग रूम में या किसी दूसरे दूसरे भाई के कमरे में ये डिस्कशन होनी आपस में इनकी, और इनको आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई, थोड़ी थोड़ी सी लड़ाई की आवाजें बाहर आनी, तब मैंने बंदा तो डिस्कस होता है ना बंदे को कि ये क्या चल रहा है घर में, कि छुप छुप के आपस में क्या डिस्कशन हो जा रही है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम गुजरता गया, फिर वो लड़ाइयाँ पड़ती गई, तब मुझे इन्होंने बैठाया और बताया, भाई बड़े ने, तो उसने कहा कि इसको समझाओ, ये नशे से बाज नहीं आता। तो मैं तो शॉक, मैं इतनी हैरान, मैंने कहा ये क्या, कि अब जब ये बात सामने, खुल के सामने आ गई, तो मियाँ साहब तो कोई खास ऐसा कारोबार नहीं था इनका, कट्ठा ही था। जब ये आवाज बात सामने चली आ गई गई, है। तो फिर मैं जी घर में रहती थी, और जो तीन देखो 2 बच्चे मेरे होंगे। आ रही है, अब आ रही है साहिल, आ रही है, या सिग्नल प्रॉब्लम जी है यहाँ अभी आ पे? रही है, अभी अभी साहिल आ आ रही है रही है, आवाज? आ रही है, अभी आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, 3 साल के बाद एग्जैक्ट पक्का पता, फिगर आउट हो गया कि जी बंदा नशा ही करता है, और काम काम धंधा तो सारा चौपट हो गया, जो भी था कुछ भी नहीं था, ज्वाइंट इकट्ठे काम था ना सब भाइयों का, उसमें से जितना आता था वो खाने पीने के लिए टाइम गुजर रहा था। अम्मी अब्बू आए कि अब आओ हम तुम्हें ले चलते हैं। तो मैंने कहा कि अब 2 बच्चों के साथ मैं किधर जाऊंगी, मैं आपके बोझ बनूंगी, या तो मेरे अब्बू बड़े होते ना स्ट्रॉन्ग फैमिली के तो मैं चली जाती। मुझे पता था कि उनके पीछे और भी बच्चे हैं, और वो जितना कमाते हैं उतना ही वो खाने के लिए उनको पूरा आता है। तो मैं किस अब मैं अपने अब्बू के साथ बड़ी अटैच थी, तो मैंने तब भी ये सोचा कि मैं अब्बू को क्यों परेशान करूं वहां पे जाके, 2 बच्चे हैं। मैंने कहा मैं ठीक है, जो मेरी किस्मत में था ना वो हो गया, वो मुझे मिल गया, आप छोड़े, आप मुझे मेरे हाल पे छोड़े। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस कंडीशन से कैसे निकलूं। अगर मैं कहीं प्राइवेट स्कूल में जॉब करने की कोशिश करती थी तो कुछ नहीं, वो 2-3 हजार में, हद 3 हजार या 4 हजार, 12 FA पास बंदे को वो क्या देंगे, कुछ भी नहीं। 3-4 हजार में तो कुछ नहीं हो रहा था, छोटे 2 मेरे बच्चे थे, तो है ज्वाइंट फैमिली थी, खाने पीने का तो कैसे ना कैसे चल ही रहा था, लेकिन बच्चों की अगर बच्चा बीमार हो जाता, दवाई या कोई ऐसा इशू, 100 ऐसे इशू चलते थे। तो मैं उन दिनों बहुत परेशान थी, मैं क्या करूं। फिर मीनवाइल मैंने सोचा कि मैं प्राइवेट तौर पर एडमिशन भेज देती हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी का मैंने प्राइवेट तौर पर BA का एडमिशन भेज दिया, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। फिर मुझे खुद पे जरा हौसला हुआ, मैंने कहा नहीं भाई मैं कर सकती हूँ, अभी भी मुझ में स्पार्क है, कैलिबर है। तो मैंने प्राइवेट ही फिर दूसरा भी एक और MA कर दिया,
इसके अलावा एक और मीनवाल दूसरी यूनिवर्सिटी से एक और एमए किया, एमए पॉलिटिकल साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी से कर दिया और एमए एजुकेशन किया। तो इसी इसी स्ट्रगल में मेरा तकरीबन 2012 में मेरी ना एजुकेशन कंप्लीट हो गई, मतलब दो मास्टर्स की डिग्री थी मेरे पास और फिर मैंने सोचा कि कहीं पे मुझे जॉब मिल जाए। काफी, काफी 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 पर्सनल साहिल आपकी आवाज चली गई। हाँ वो बोल रहे हैं पर्सनल जानकारी मत दीजिए। काफी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रही है, मेरे ख्याल से ये सही नहीं रहेगा। आप हाँ जनरल रखें अपनी टॉक को ताकि कोई आपको ट्रैक ना कर सके। ठीक है ठीक है। अच्छा इसके बाद 2000 ठीक है तकरीबन इस कंडीशन में मेरे गुजरे हैं तकरीबन 8-9 साल इसी कंडीशन में कि बच्चे मेरे हो गए, अब मैं हैंड टू माउथ थी। कुछ कैसे मैं तहज्जुद पढ़ती थी, 5 नमाजें पढ़ती थी, कुरान को मैंने सुबह शाम दोपहर जब भी मेरा टाइम मिलना, जब मेरा दिल भरना, जब मैंने बहुत परेशान होना, जिंदगी से तंग हालात से तंग हो जाना, फिर मैंने जिक्र करना शुरू कर दिया, तलावत करना शुरू कर दी और मुख्तलिफ जिक्र अजकार नाते सब कुछ बहुत कुछ करना, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली ना मिलनी, मेरे हालात नहीं बदल रहे थे। मैंने इतनी मेहनत की इस इबादत में, इतनी मेहनत की, इतनी दुआएं की कि कोई कर नहीं सकता जितनी मैंने दुआएं की खुद के हालात बदलने के लिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, अपने हिसाब से मेरी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो गई, तो मुझे छोटी सी जॉब मिल गई, गवर्नमेंट की मिल गई लेकिन छोटी सी जॉब मिल गई। मैंने बड़ा शुक्र किया कि चलो कि अब मैं बेहतर हूँ, अब मैं कर सकती हूँ, तो ये मुझे जॉब मिल गई। इसके बाद तकरीबन छोटी सी जॉब थी, लेकिन फिर 3 साल के बाद मुझे एक बड़ी जॉब मिल गई जो किसी के ख्वाबों ख्याल में भी नहीं थी। लेकिन तब मैंने जब मेरी मुझे बड़ी जॉब मिली ना, तो साल मुझे बड़ा ना अजीब फील हुआ। मैंने कहा कि मैं इतनी दुआएं की है, इतना कुछ किया है, लेकिन मुझे सिला क्या मिल रहा है जो मैं करती हूँ, जितना कि मैं कर लेती हूँ, जितनी कि मैं मेहनत कर लेती हूँ उतना ही मुझे उसका फायदा होता है, इसके अलावा तो और कुछ फायदा नहीं हो रहा मुझे। जब मेरी बड़ी जॉब मिली तब जरा मुझे सुकून हुआ, फाइनेंशियली मुझे मैं बेहतर हो गई। फिर मैंने कुरान को ना दोबारा तर्जमे से पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे साइंस में इंटरेस्ट तो था ही था, मुझे फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, अगर मैं कहीं रेगुलर पढ़ती होती ना तो मैं फिजिक्स में आगे चलती, लेकिन वो आप मतलब प्राइवेटली उसको कंटिन्यू कर सकते हैं ना। तो मुझे ना मीनवाइल ये कॉस्मोस जो है कार्ल सेगान की बुक वो मेरे हाथ लगी, वो हाथ लगी। इसके अलावा मुझे वो जो सेपियन है बुक वो हाथ लगी। तर्जमे को तर्जमे के साथ तो मैं कुरान पढ़ ही रही थी, तब मैंने सोचा कि अब तो मेरे पास वो साइंटिफिकली भी थोड़ी सी बैकग्राउंड है, तो क्यों ना मैं जो कुरान में फिनोमिनल दिए गए हैं ना, जैसे तखलीक है, सबसे पहले मुझे अपनी तखलीक जो अम्मा हवा की और आदम की जो किस्सा था ना उसमें बड़ा इंटरेस्ट हुआ। अब मैं फाइनेंशियली तौर पर थोड़ा सा स्ट्रांग हो गई थी, तो मैंने कहा कि अब इस तो इसको जो कुरान में मुख्तलिफ वाक्यात और फिनोमिनल दिए गए हैं ना उसको तर्जने उसको ना साइंटिफिकली प्रूफ करने की कोशिश की जाए। मैंने किसी को प्रूफ नहीं करने थे, खुद अपने आप को प्रूफ करने थे। मैंने अपने नोट्स उस पर तैयार किए, मैंने अपने जॉब से आके घर के काम शाम करके मैंने 4-4, 5-5 घंटे इस काम को दिए। पहले मैंने कुरान के मुख्तलिफ तराजम इकट्ठे किए, मुख्तलिफ तर्जमे जो थे तर्जमे इकट्ठे किए, उसमें से मैंने जो अम्मा हवा और आदम, सबसे मैंने तखलीकी आदम से आगाज किया था कि आदम और हवा की तखलीक। अच्छा उसमें जब मैंने पढ़ा तो वो पीछे जो थे नेंडरथल्स और उससे पहले सैपियन में तो वो बताया गया था कि फोसल्स उनके निकले हैं। तो जब मैं कुरान में पढ़ती थी, जब मैं कुरान की तरफ से उसको देखती तखलीक का, तो वो तो डायरेक्ट ऐसा लगता था जैसे वो कर दिया। लेकिन मैंने उसमें आप अब मैं लोगों को कहती हूँ ना जलेबियां बनाते हैं, तब मैं भी जलेबियां बनाती थी, तब मैंने वो जाल जीम एन लाम जाल और खलक उस पर मैंने ना बड़ी रिसर्च की, उस पर मैंने बड़ा कुछ पढ़ा, उसको मैंने खुद से साबित करने की कोशिश कर रही थी कि आदम को ना जाल किया गया है, इसको खलक नहीं किया गया। मतलब मैं इस किस्म की थी, साइंस का तो मेरा दिमाग था ही था, लेकिन मैं साइंस के नुक्ता नजर से कुरान के फिनोमिनाज को सच साबित करना चाहती थी। तो मैंने सर धड़की बाजी लगाई इसको, जहां से मुझे आर्टिकल मिला वो मैंने उठाया, जहाँ जो जो लेटेस्ट रिसर्च थी वो मैंने पढ़ी। तो ये अम्मा हवा और आदम की तखलीक का
इसके बाद दूसरा जो जिसपे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया वो जमीन और आसमान की तख्लीक थी। इसके अलावा तीसरा जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो था आलमगीर तूफान, उसका भी मैंने रिसर्च साइंटिफिकली बहुत उसको सर्च करने की कोशिश की। मैंने मीनवाइल यूट्यूब पे जो थे वो जो आजकल के हैं जैसे मिर्जा ये हैं इंजीनियर मिर्जा, इससे पहले भी कुछ और लोग हैं मैं नाम नहीं लूंगी उनका, वो मेरे दोस्त भी थे, मैंने उनको बहुत सुना वो यूट्यूब पे मैंने उनको सुना। वो साइंटिफिकली उनका बैकग्राउंड था तो वो कुरान के मुख्तलिफ फिनोमिना को ना साइंस की नुक्ता नजर से बयान करने की कोशिश करते थे। जमीन और आसमान की तख्लीक की ना मैं एक वीडियो देख रही थी तो उसके दौरान ना, बल्कि एक और वीडियो देख रही थी मैं बड़ी अकीदत के साथ ना वीडियो देखा करती थी, जुमे के जुमे उनकी वीडियो आया करती थी। तो मैं सारे काम खत्म करके मैंने 3 बजे तक मोबाइल लेके बैठ जाना अभी वीडियो आने वाली है। जी जी साहिल भाई बीच में ड्रॉप हो गए थे तो आई थिंक साहिल भाई सुन तो रहे होंगे। हाँ हेमा जी कंटिन्यू कीजिए आप। अहादीस का इतना नहीं पढ़ा था मुझे, मुझे हमेशा से ना वहां से बड़ी किदत रही थी, लेकिन अहादीस का मेरा इतना वास्ता नहीं पड़ा था, बस जितनी जरूरत होती थी उतनी अहादीस को देख लिया करती थी, बाकी तनकीदी नुक्ता नजर से मैंने कभी नहीं अहादीस का मैंने बता लिया इस तरह से नहीं किया था। लेकिन मैंने कुरान को सच साबित करने के लिए कुरान को मुख्तलिफ एंगल से पढ़ना स्टार्ट किया। तो एक ना वीडियो के दौरान ही मेरी एक सुनी मैंने कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपके आगे से औरत काला कुत्ता और गधा गुजर जाए ना तो आपकी नमाज बातल हो जाती है। तो मैं जी बता नहीं सकती मैंने वो पहली दफा पढ़ी थी, पहली दफा सुनी थी, बल्कि मैंने कभी नहीं पढ़ी थी ये हदीस पहले, मैंने सुनी उस वक्त वो मेरा दोस्त ही था जिसकी वो वीडियो थी यूट्यूब पे, तो मैंने उसको मैसेज किया मैंने कहा ये क्या तुमने बात की, उसने कहा कि ये सही हदीस है इसका ये रेफरेंस है इसको देख लो तुम खुद वेरीफाई कर लो। जब मैंने उसको वेरीफाई किया तो मेरे इतने आंखों में आंसू थे और मुझे इतना मेरा दिल टूटा जैसे किसी ने मुझे पकड़ के घर से बाहर नहीं निकाल दिया, जिस तरह इतनी ह्यूमिलेशन और मैं जिल्लत बता नहीं सकती जितनी जिल्लत मुझे खुद को महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं वो थी जो अल्लाह के इश्क में पागल थी, मोहम्मद के इश्क में पागल नहीं कभी भी हुई लेकिन मैं अल्लाह के इश्क में पागल थी, जैसे वो रूहानियत की तरफ नहीं वो बंदा जाता इस किस्म की, कि मेरे मैंने अपने अल्लाह को अपना दोस्त बनाया हुआ था। कोई ये मुश्किलात का जो टाइम था ना ये 10-12 साल का मैंने किसी को कभी कुछ नहीं बताया, मैंने नमाज पढ़ ली, जब भी मैं परेशान होना मैंने नमाज नियत करके बैठ जाना और जो गिले शिकवे है ना वो आंसुओं की शक्ल में अल्लाह के सामने रख देने अपने जो भी बात, और मैंने उससे कहना कि मैं तुमसे ही ये काम करवाना है, लोग तुमसे डरते होंगे मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम मेरा ये तुम काम करो, तुमने ये काम करना ही करना है मेरा अल्लाह के साथ, मेरी इस किस्म की अंडरस्टैंड मतलब इस किस्म का रिलेशन था। अगर मैं किसी को बताती थी तो वो कहते थे ये पागल है या मतलब ये दीन से हटी हुई है, लेकिन मेरा अल्लाह के साथ इतनी अटैचमेंट थी। जब भी वो मैंने हदीस सुनी कि अगर नमाज भी पढ़ रहा है इसके आगे से औरत गधा और काला कुत्ता गुजर जाए ना उसकी नमाज बातल हो जाती है, तो मुझे तो इतना दुख हुआ, मैंने कहा कि आवाज ड्रॉप हो गई है हिमा जी आपकी। अच्छा मैं जो साहिल इतनी भाई मोहब्बत जिस एंटिटी के साथ आप करता, के साथ करती हूँ आपकी आवाज चली गई थी। अब हेलो कहाँ हाँ तक, मैं कहाँ बोल तक रहा था। समझ आई, कहाँ तक मेरी आवाज आई अमित जी? हाँ नहीं लगभग बराबर आ रही थी आपके जो ये लास्ट की 2 लाइन शायद मिस हुई है। अच्छा कुत्ता गधा तो और मैं औरत वही बता सामने रही से थी कि गुजर मुझे जाए वो जब आपने हदीस देखी सुनी तो आपको बहुत दुख हुआ। इतना दुख कि मैं बता नहीं सकती, मैं मतलब इतनी टूट गई अंदर से, मैं इतना रोई, मैंने उधर से वो वीडियो बंद की, फौरन वीडियो बंद की, मैंने कहा पहले मैं रो लूं, मैं इतना रोई मैंने कहा कि ये मतलब ये तो मेरी जिल्लत है, ये तो मेरी ह्यूमिलेशन है, वो एंटिटी वो मेरा अल्लाह जिससे मैं इतनी अकीदत रखती हूँ, जिसकी खातर मैंने मतलब जो मेरी किस्मत में लिख दिया इसने मैंने उसको बर्दाश्त किया, मैंने कभी गिला नहीं किया उसे उस एंटिटी के साथ, मैं अपनी जज्बात कुर्बान कर दिए, मैंने अपनी रातों की नींद कुर्बान कर दी, मैंने हर चीज कुर्बान कर दी, और वो उस एंटिटी का भेजा हुआ जो पैगंबर है जो मोहम्मद है जो उसके भेजे गए नबी हैं जो उनकी जबान बोलते हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि मैं इतनी नापाक और इतनी नजस और इतनी कमतर हूं कि मैं गधा और कुत्ते के उसी लाइन में खड़ी कर दी गई हूँ। तब मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। फिर मैं उसने उस बंदे ने ना मुझे इसका रेफरेंस बताया, मैंने जब रेफरेंस देखा रेफरेंस बिल्कुल ठीक था,
फिर मैंने सोचा मैं क्या इतनी नफरत मुझसे इतनी, मतलब मैं वुमेन एज अ वुमेन बात कर रही हूँ कि औरत के साथ इतनी नफरत क्यों, क्यों इतनी नफरत। मैंने आधी गवाही पे भी उस बंदे से बहुत बहस की, दोस्त है मेरा यूट्यूब पर, मैंने उससे कहा कि आधी गवाही क्यों है, आधी ये भी नफरत की एक किस्म है ना आधी गवाही। फिर मैंने कहा कि इसको और तरीके से पढ़ना चाहिए कि मेरे मुझसे इतनी नफरत क्यों है इस्लाम के जैसे मजहब में, जो कि मेरा गरूर है, जिसको मैं गरूर समझती हूँ अपना, कि मैं शुक्र है कि एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई, मैंने इतनी मुश्किल क्यों फेस की, इसीलिए कि मेरे अल्लाह का ये हुक्म है, इसीलिए मैंने फेस की कि मेरे दर्जात बुलंद होंगे अगली लाइफ में, नहीं तो इसी जिंदगी में मुझे इसका बेहतर अजर मिलेगा, बेहतर कोई अच्छा इसका सिला मिलेगा। तो ये सिला मिल रहा है कि मेरी ये औकात है कुत्ते और गधे के बराबर मुझे कर दिए। मैंने फिर उसको, मैं तब ये कर रही थी अपने अपने नोट्स तैयार कर रही थी इसके लिए, तखलीके कायनात और हवा और आदम के लिए। तो जब फिर मैंने ना आदम अलैहिस्सलाम के किस्से को दोबारा से मुझे पढ़ना शुरू किया, अच्छा इसी दौरान ना जो कुरान में मुख्तलिफ जो कौमें तबाह की गई है ना उनके भी बताए गए हैं, जैसे कौम लूत, कौम समूद, उन पे आग का तूफान। फिर मैंने सोचा कि अब तो आर्कियोलॉजी जो है वो इतनी तरक्की कर गई है, अब तो बाकियात निकल गई है उनकी, तो ऐसी जो आलीशान कौमों का तذکرہ किया जाता है उनकी बाकियात भी तो होनी चाहिए ना, तो होंगी बाकियात। मैंने फिर वो आर्टिकल जो थे, जो रिसर्च आर्टिकल थे उनको देखा, इसके अलावा जहां पे जो बुक मुझे अवेलेबल हुई ना, जो जहां पे भी किसी कदीम तहजीब या सकाफत का जिक्र मिलता था, मैंने वो किताबें इकट्ठी करनी शुरू कर दी, क्योंकि मैं उनके खोज मतलब रेफरेंस के साथ देखना चाहती थी कि कुरान में जिन गई जिन तबाहशुदा कौमों का जिक्र किया गया है उनकी सकाफत कैसी थी, वो कौन सी ऐसे कामों पे, कौन से ऐसे काम थे जिनकी वजह से कईयों की शक्लें बिगाड़ दी गई, कईयों पे अजाब भेजे गए। फिर इस आहिस्ता आहिस्ता ना मैं फिर सकाफतों को पढ़ना शुरू कर लिया मैंने इस्लाम से। पहले मैं ये समझती थी कि 1400 साल जो पहले इस्लाम है ना, इससे पहले था ही कुछ नहीं, था था ही कुछ नहीं। देखिए इतनी उम्र मेरी हो चुकी थी, मैं तब तक इसी वहम में जी रही थी कि इस्लाम से पहले जमाना जाहिलियत था, वहां पे तरक्की थी ही नहीं, कुछ भी नहीं थी। ये मोहम्मद आए तो उन्होंने बेहतर हालात किए। जब मैंने, अच्छा जब मैंने बाकियात ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स को पढ़ना शुरू किया, कदीम तहजीबों को पढ़ना शुरू किया, तो मैं रोम इनको यूनानियों को पढ़ा, यूनानियों से पीछे वो जो बेबलोनियन थे उनको पढ़ा, मिस्र मिस्रियों को पढ़ा, इससे इसके बाद वो जो आखिर पे थे सुमेरियन थे उनको पढ़ा, सुमेरियन से होते हुए थे गारों के आर्ट तक पहुंच गई मैं, गारों के आर्ट से होते हुए थे उससे पीछे चले गए। तो आहिस्ता आहिस्ता सुमेरियन टैबलेट की ना, जब मसाल जब मैंने सुमेरियन टैबलेट्स को पढ़ा ना, उस जब मुझे पता चला कि आज से तकरीबन 4500 कबले मसीह पहले सुमेरियन जो टेबलेट्स थी, आज से तकरीबन 6500 साल पहले, तो उनके साथ जो लोहे थे ना उनका तर्जमा हो चुका था, वो इब्ने हनीफ है पाकिस्तान में, उन्होंने तर्जमा किया हुआ था, लेकिन वो बुक मुझे कहीं पे अवेलेबल नहीं हुई, लेकिन वो ऑनलाइन थे देखता था, तो मैंने उसको पढ़ा। क्योंकि मैं कुरान ने जिन कौमों की तबाही का जिक्र किया ना, मैं उन कौमों को, उनके हालातों वाकयात को, उनकी सकाफत को पढ़ना चाहती थी कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स थे, कौन कौन सी चीजें थी। और मैं ये भी देखना चाह, कुरान में ये भी जिक्र है कि हदीस में ये मेरा ख्याल कि कि हमसे पहले जो कौमी थी वो टेक्नोलॉजी मतलब इस महारत के लिहाज से भी बहुत ऊंची थी, तो मैं उनकी महारतों को देखना चाहती थी कि उनकी महारतें किस शोबे में थी, उन कौमों की महारतें। तो जब मैंने सुमेरियन टैबलेट्स का तर्जमा इब्ने हनीफ की किताब रिस्का पे पढ़ी हुई है, उसका उन्होंने तर्जमा किया हुआ है उर्दू में उसका, तो जब मैंने तर्जमा पढ़ा तो उसमें था ये तखलीक का किस्सा। तखलीक के किस्से में ये सेम यही था, मट्टी से तखलीक किया गया और पसली से ना औरत को निकाला गया। मैंने जब वो टैबलेट पढ़ी, उसका तर्जमा पढ़ा, मेरा तो दिमाग उड़ गया। मैंने कहा ये मैं जिस इस्लाम को मैं कहती हूँ कि 1400 साल पहले उसने हमें बताया है, तो उस इस्लाम से भी 5000 साल पहले ही सुमेरियन किसी टेबलेट्स में लिखा लिखी हुई है ये बात, ये जो तखलीक आदम का किस्सा है जिसको मैं साबित करने के लिए दिन रात एक कर रही थी, जिसको मैंने हर आर्टिकल सर्च करके उसको रिलेट करने की कोशिश की,
जिस पे मैंने खला का और जाला को आपस में कंपैरिजन करके ये साबित करने की कोशिश की कि आदम को उतारा गया था, खलका का लफ्ज नहीं है, जाल का लफ्ज है, उसको अफ्रीका में उतारा गया था। इसके लिए मैंने इंग्लिश किताबें भी तर्जुमे के साथ बहुत सारी पढ़ी इस फिनोमेना को साबित करने के लिए। लेकिन जब मैं टैबलेट में देखा, मैंने कहा ये क्या, मैं इस पर इतनी मेहनत कर रही थी, ये तो तब के मिथ है जब अभी इंसान ने क्या कहते हैं मुजारे फितरत को देखना शुरू किया था। अब उससे अब सुमेरियन टैबलेट्स की बात है तो इसमें तख्लीक का किस्सा भी है। एक तो आदम और हवा की तख्लीक है ना, दूसरा जमीन और आसमान की तख्लीक का भी जिक्र उसमें, सेम वही जो कुरान में बयान किया गया ना कि इतने दिनों में जमीन और आसमान की तख्लीक की, सेम ये सुमेरियन टैबलेट्स में मौजूद था। मैं तब इतनी परेशान। एक आलमगीर तूफान का जिक्र है, तूफान सॉरी वो सैलाब का जिक्र है, ये भी सुमेरियन टैबलेट्स में। मैंने कहा ये क्या, ये तो वो चीजें हैं जिनको ये मानते नहीं है और उन्हीं से चीजें ये चुरा के अपनी तरफ लेके आ गए। फिर जब मैंने मिस्री तहजीब को पढ़ा तो इतनी आलीशान, इतनी रिच, इतनी उमदा किस्म की तहजीब थी मिस्री तहजीब, मैं तो हैरान रह गई। मैं तो उनका आर्ट, उनकी शायरी, उनका जो सिस्टम था, क्लरिकल सिस्टम था, लिखने का तरीका था उनका, अहराम थे उन्होंने बनाए, मैं तो उस पर मबहूत रह गई, उनकी मम्मीफिकेशन पे। तब ये फिरौन का अकुदा भी मुझ पे खुला। यहाँ पता मुसलमानों में अक्सर क्या कॉन्सेप्ट है, वो एक ही एंटिटी को फिरौन समझते हैं कि फिरौन एक ही बादशाह गुजरा है उनके नजर में। मैं भी यही समझती थी फिरौन एक ही था बस, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पे इतने जुल्म किए। तो जब मैंने मिस्री तहजीब को पढ़ा, वो जो उनकी 28 नस्लें थी, वो तो उसमें अखनातन को जब मैंने पढ़ा तो तब मूसा का किस्सा भी अच्छा, सागन ऑफ द कार्डियन को जब मैंने पढ़ा तो सागन ऑफ द कार्डियन जो था 1700 कबले में से, वो उसमें लिख रहे हैं कि मैं जब छोटा सा था तो मेरी माँ ने मुझे, मैं बिन बाप के महल में पैदा हुआ था या जो भी था, उसको उसका किस्सा पता क्या है कि उसकी माँ ने उसको बक्से में बंद करके दरिया नील में बहा दिया था और उसको नीचे से नाम मुझे भूल गया उसका, किसी ने उसको पाला तब वो बादशाह बना। तो जब मैंने सागन का किस्सा पढ़ा कि मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा थोड़ा सा उससे रिलेट था, मैंने कहा ये तो किताबों में मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ती रही हूँ कि उसके डर से उन्होंने, फिरौन के डर से के बन किसके डर से उन्होंने पानी में बहा दिया था। तो जब मैंने खनातन को पढ़ा कि उसका किस्सा थोड़ा सा मुझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलता जुलता के सूरज। हाइमा जी आपने कितना कितना कुछ पढ़ लिया है कि इतना इंटरेस्ट है क्या आपको किताबें पढ़ने में? मैंने इतनी ज्यादा किताबें इकट्ठी कर ली थी और किताबें सारी किताबें नहीं अब मेरे पास, ये भी एक मिस है। लेकिन मैं ना साहिल असल में ना मैं कुरान को सच साबित करना चाहती थी अपने लिए, अपनी तसल्ली के लिए। तो जब मैं तहजीबों को पढ़ती गई तब मैं देखती गई कि ये है क्या, कौन कौन से किस्सों, वो कहते हैं ना भानमती ने कुंभा जोड़ा, क्या वो ऐसी कहावत है, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा जोड़ के तो इकट्ठा कर दिया। ये मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा था वो बहाने वाला किस्सा था, वो तो सारगम की उसके जो उसने लिखा है उसमें ये महफूज है, कोई भी इसको पढ़ सकता है। जब मैंने इनकी यहूदी जो इनके कायदे कानून को पढ़ा, तो जब मैंने हम्मुराबी को पढ़ा उसके उसके वो जो था कानून थे उसके 285 के 86 के, जब मैंने उनकी शिकों को पढ़ा तो मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा आंख के बदले आंख, ये सारे जो थे जिसको मैं शरीयत समझती थी कि ये इल्हामी है भाई, ये तो पहले से मौजूद चीजें हैं जो उसमें से कुछ चीजें मुख्तलिफ मज़ाहब ने उचक ली है उनसे। तो असल जो मेरा दिमाग खुला ना वो सुमेरियन टैबलेट्स का तर्जुमा पढ़ के खुला। मैंने कहा नहीं ये तो कुछ और ही है जिसको मैं सच साबित करने जा रही हूँ, ये सच साबित हो ही नहीं सकता। मैं असल में कुरान के वाकयात को सच साबित करने पे गई थी, करना चाहती थी, लेकिन मैंने इतनी कोशिश की उसको सच साबित करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि जब आप इतने अकीदत के साथ कुछ काम करना चाहते हैं ना तो आपके लिए जो रिजल्ट है ना जब ऑपोजिट निकलते हैं ना तो आप उसको बर्दाश्त ऐसे नहीं कर सकते, आप टूट जाते हैं। वाकई में टूट गई थी, मैं बहुत परेशान थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आधी जिंदगी जो मैं गुजार चुकी हूँ इसके लिए कि मुझे रिवार्ड मिलेगा, तो जिस बेस पे मैंने ये सब कुछ किया है वो बेस हिल गई मेरी, वो बुनियाद ही हिल गई मेरी। तखलीक का किस्सा वो निकल गया इसमें से,
अच्छा, इससे होते होते फिर पीछे गारों की आर्ट, गारों की अल्तमीरा आर्ट को जब मैंने देखा, गारों का आर्ट देखा, मैंने उनको पढ़ने की कोशिश की, मैंने उनकी सकाफत को, उनके चीजों को पढ़ने की कोशिश की कि वो किस तरह रह रहे थे, तब मुझे वहां पे अच्छा मीन वाइल ना मुझे वो एक मूर्ति जो जिसे कहते हैं वीनस, वीनस सीरीज जो है वो मिली मुझे, वो जो 22,000 साल तक पूजी जाती रही। फिर मैं पीछे चली गई, फिर मैं पीछे जाकर पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने कहा पढ़ते हैं भी इसके बारे में, इसकी हकीकत क्या है, अगर मेरा अब ये वाला मुकाम है कि मैं आज ही गवाही दे दे सकती हूँ, अगर मेरा रेप भी होता है तो 4 लोगों का वहां पे मौजूद होना जरूरी है। मैंने इसमें भी बड़ी बड़ा ना सोचा, मैंने कहा कि जो अगर फर्ज करो किसी औरत का रेप हो रहा है तो 4 मर्द की अगर मैं गवाही लेके आती हूँ तो वो मर्द उसको हटा नहीं सकते थे, उस काम से रोक नहीं सकते थे। तब मैंने सोचा कि ये जो कायदे कानून है ना, ये अरब अरब जहाँ पे सहरा था वहां पे दूर दूर तक लोगों को नजर आता था, मेरा ख्याल है ये सिर्फ उसी तनाजर में ये 4 मर्दों की गवाही का जिक्र किया गया कि 4 मर्द कहीं दूर से आपको देख रहे हैं तो वो गवाही दे सकते हैं, जबकि इस वाले माहौल में जहाँ पे हम अब रह रहे हैं, सहरा में नहीं रह रहे, मैदानी इलाकों में रह रहे हैं, तो ये छोट इस मेरा असल जो ट्रिगर पॉइंट था ना वो तो वो हदीस थी कि जो मजे औरत है ना वाली। वो गधे और कुत्ते के बराबर है, ये मेरा ट्रिगर पॉइंट था वहां पे। इसके अलावा जो दूसरी चीज ने मुझे फेड अप किया वो सुमेरियन टेबलेट्स का तर्जमा था, वो इब्ने हनीफ साहब का भला हो, डेथ हो चुकी है उनकी, उन्होंने उनका तर्जमा कर दिया हुआ है, तो कोई भी बंदा जो सुन रहा है आप जाके उस सुमेरियन टेबलेट्स का तर्जमा पढ़ सकते हैं, उसमें आपको जितने भी कुरान में किस्से बयान किए गए हैं ना वो मिल जाएंगे आपको। इससे पीछे चले गए, गार का आर्ट मैंने देखा, उससे पीछे मैंने पढ़ने की कोशिश की कि शुरुआत कैसे हुई, फिर मैं कॉस्मोस को पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे इसमें फल्कियात में और एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में बड़ा इंटरेस्ट था, हब्बल टेलीस्कोप की जब वो तस्वीरें आई तो मैं तो दंग रह गई, मैंने कहा कि एक छोटा सा एक सियारा जमीन जिसपे हम रह रहे हैं, तो बाकी तो इतनी बड़ी कायनात है कि उस बनाने वाले को अल्लाह को हमसे क्या, वो मुझे क्यों, अगर मैं रात को नहीं अपने बंदे के बिस्तर पे जाने जा नहीं सकती, मैं जॉब करती हूँ, मैं थक हार के आती हूँ, मैं काम सारे करती हूँ, तो उन फरिश्तों को क्या पड़ी हुई है कि मुझ पर लानते भेजे, वो किस पावर में मुझे लानते भेजते, उनके पास क्या है, वो क्यों लानते मुझे भेजे। तब मैंने सोचा, मैंने कहा कि ये मतलब ये जो खालिक है जिसने इंसान को बनाया, मर्द को बनाया, औरत को बनाया, उसको मेरी जरूरतों का नहीं पता था, उसको मेरी तकलीफों का नहीं पता था कि उसने 22 हो के सादे सारे के सारे कायदे कानून जो है वो मर्दों के हक में लिख दिए। अब एक और भी यहाँ पे जो मेरा जो था ना वो इससे हिलने इससे पड़े होने का एक ये पॉइंट भी था, मजाजी खुदा वाला, मैं हमेशा से इस बात पे हर किसी से बहस करती थी कि अगर